मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है एज ए फर्स्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस एज एन असिस्टेंट कोच. असिस्टेंट कोच के क्योंकि आई एम अ लाइसेंस कोच, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं एक प्रो लाइसेंस कोच के साथ, एक ए लाइसेंस कोच के साथ जो है ना वो ये अपना ग्राउंड शेयर कर रही हूँ, उनसे एक्सपीरियंस ले रही हूँ, उनके सारे एक्सपीरियंसिस को जो है मैं ऑब्जॉर्व कर रही हूँ और उनकी तमाम जो जो भी वो ग्राउंड में जो भी करते हैं, इवन नॉट इन द ग्राउंड बट ऑफ द ग्राउंड, मुझे हर उनकी वो चीज़ जो है वो ऑब्जर्व करने में और समझ आ रही है कि किस तरह आप एक प्रोफेशनल टीम के साथ अपने आप को मिक्स कर सकते हैं और उनको किस तरह डील कर सकते हैं. और एज अ मैनेजर उससे ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है उसके अंदर, क्योंकि मैं क्योंकि इन सब टीम को इकट्ठा करना, उनको देखना करना, ये सब कुछ करना इन द ग्राउंड, ऑफ द ग्राउंड, हर जगह पे, होटल में, आपकी रास्ते में, सब कुछ करना, तो आई एम रियली इन्जॉइंग दिस. Great. So, as a manager, how do you manage the players on a personal or group level? Because obviously individual players bhi hai, but a larger group bhi hai, to wo aap kis tarah manage karti hain? पर्सनली हमारे पास क्योंकि बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं, तो उनकी उनका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरी तरह ही, तो वो आके मेरे साथ मैसेजेस में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हम इंडिविजुअली हम लोग बात करते हैं, कोई भी उनको मसला होता है तो वो डायरेक्टली भी मुझे बताते हैं, मेरे पास भी आते हैं, हम लोग बैठ के ग्रुप चैट्स भी करते हैं, और अगर किसी को किसी से इशू है तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं, और अगर नहीं होता तो हम उस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं. हम उनके ग्राउंड्स की भी, जो ग्राउंड में उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी इंजरीज़ हैं, उनके गेम है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है ग्राउंड में. इन ग्राउंड जो होता है वो हमारा हो रहा होता है कि जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसके अंदर उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं या कुछ नहीं है, तो मैं उनसे उनके पास जा रही होती हूँ, उनसे पूछ रही होती हूँ. तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सीनियर और जूनियर दोनों प्लेयर्स के साथ. सही. और ऑब्वियसली आपने जिस तरह मेंशन किया, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं ओवरसी करने में और मैनेज करने में जो है वो स्क्वाड को. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स? आपको कैसा लग रहा है इस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के साथ काम करके? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने इससे पहले दो स्क्वाड्स जो है वो मैं देख चुकी हूँ, एक स्क्वाड में मैं खुद रह चुकी हूँ, तो मुझे इस चीज़ का एक आपका होता है, आपका एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज होता है, वो आपको फील हो रहा होता है, तो आपका जो लीडर होता है उसका बहुत आपके ऊपर इफेक्ट पड़ा होता है. मैं अपने अपने पाकिस्तानी कोचेज़ के साथ भी मैंने कैंप अटेंड किया है, खुद कैंप अटेंड किया है और उनके अंडर कैंप देखा भी है. अब मैं एक इंटरनेशनल कोच और एक प्रो लाइसेंस कोच के साथ जब मैं देख रही हूँ, तो मुझे उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क फील हो रहा है एज अ ऑफिशियल और एज अ प्लेयर. तो वो एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है कि आपको एक इंटरनेशनल पर्सन के साथ जो है वो काम करने को मिल रहा है, प्लस उनका एक्सपीरियंस जो है वो आपको ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड आपको नज़र आ रहा है कि वो आपका डिफरेंस कितना है और आपके प्लेयर्स जो हैं उसको किस तरह ले रहे हैं और वो किस तरह उस चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फिर आके. How is the relationship between the young players or senior players like Hajra and Khatija? Because obviously, like आपने mention किया, बहुत से players हैं जिनका पहला experience है. तो आपके ख्याल में इनका क्या आपस में relationship है, togetherness है squad में, आपको कैसा feel हुआ? बिल्कुल हमारे जितने भी senior players हैं, not only Hajra but Sahar Zaman हमारे साथ, Abiha हैं हमारे साथ और Marga हैं, she is also very senior. तो उनका junior players के साथ बहुत अच्छी bonding और वो हर जगह पे उनको इनक्रेज कर रहे होते हैं. इवन जब हम लोग लंच या डिनर्स कर रहे होते हैं तो वो आके उनके पास बैठते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं और ऑन लंच ब्रेकफास्ट हमारे ओवरऑल आप देखने का पता मौका मिले तो वो एक देखें, वो एक डिस्कशन जो है वो कंटिन्यूसली डिस्कशन हो रहा होता है, यानी वो लोग किसी वक्त चुप नहीं कर रहे होते. वो हाजरा कभी इधर बैठी होती है, कभी वहाँ बैठी होती है, कभी इधर कभी इधर. तो वो हर जो हमारे जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, जैसे शुमाइला हैं या कोई भी है, तो वो हर बंदा जो है वो अपने जूनियर्स को जो है वो हर तरह से उनको पैम्पर कर रहे हैं और हम लोग पूरी कोशिश करें कि उनको ऐसा फील ना हो कि वो एक तो फर्स्ट टाइम आए हैं या वो जूनियर हैं, हम उनको इक्वली वो लोग अपने साथ उनको ले के जा रहे हैं. और लास्टली अगर आपने एक चीज़ चूज़ करनी हो तो आपके ख्याल में इस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स की बेस्ट क्वालिटी क्या है? यूनिटी आई थिंक, क्योंकि ये चीज़ जो मैं देख रही हूँ, जब हम लोग इकट्ठे होते हैं हम लोग फील्ड पे जाने के लिए, तो हमारी जो एक ग्रुप ऑफ डिस्कशन हो रहा होता है वो मिक्स होता है, यानी दो लोग अगर इधर खड़े हुए हैं तो उनको वो यहाँ से आके वहाँ पे बैठ जाते हैं कि जी हमने इनके साथ भी डिस्कशन करा है, तो उनका जो डिस्कशन और आपस में जो उनकी बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है,
वो लोग एक दूसरे के साथ ये नहीं फील कराते कि वो अकेला बैठा हुआ है या वो किसी को इग्नोर कर रहे हैं. तो आपस में आपके जितने मर्जी क्लैशेस हो, लेकिन राइट नाउ यू आर अ टीम, एक आप एक टीम हो. तो वो लोग एक टीम होके और एक पाकिस्तान टीम और एक एक ग्रुप होके वो काम कर रहे हैं. और यहाँ पे हमें ये नहीं फील हो रहा है कि जी ये आर्मी की है या ये बाबडा की है या किसी दिया की है या कराची यूनाइटेड की है. तो यहाँ पे आपको क्लब्स या डिपार्टमेंट्स नहीं नज़र आ रहे, हमें यहाँ पे एक टीम नज़र आ रही है, जिसको जो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है हमारा.